नमस्कार सभी को। देखिए, कैपिटल वेस्टिंग पर जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने समझा कि कैपिटल वेस्टिंग होता क्या है, और इसके अलावा इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा था, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, उसमें पीवी फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं या एनओटी फैक्टर क्या होते हैं और उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और साथ ही हमने कैश फ्लोज किस तरह से निकाले जाते हैं, CFAT जिसको हम बोलते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उन्हें हमने समझा था। देखिए, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट अभी और हैं जो हमें समझने चाहिए, और अगर हम इन सभी कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो देखिए जो कैपिटल वेस्टिंग का जो चैप्टर है वो पूरा इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो इनको समझने के बाद हमें आगे जो भी टेक्निक्स हैं उनको समझने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, तो इसलिए वन बाय वन हम इनको अभी और समझेंगे, तो कंटिन्यू रखते हैं। तो अगला जो कंसेप्ट आता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मेजर रोल प्ले करता है कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन में, उसका नाम है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन पर हमें एक टैक्स सेविंग मिलती है, उस टैक्स सेविंग को हमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। वो टैक्स सेविंग क्या होती है, किस रूप में होती है, आइए जरा आप इस तरह से समझिए। देखिए, कैपिटल वेस्टिंग के जो हमें डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर पहला मेथड है जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अभी हम बेशक उसको पढ़ेंगे, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मेथड्स में हमें चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। और कैश फ्लो जब हम बोलते हैं तो कैश फ्लो का मतलब मैंने बताया था कि कैश फ्लो का मतलब होता है बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन उसमें से घटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये डेप्रिसिएशन क्या रोल प्ले करता है, क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है डेप्रिसिएशन को एक बार घटाना, फिर टैक्स को घटा के फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन जोड़ना, तो आइए उस पर हम एक बार बात करते हैं, छोटे से एग्जांपल से उसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया, कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, ABC लिमिटेड, सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए, और उसकी सेल्स को मैंने लिया, उसकी सेल्स को हमने लिया है, मान लीजिए 5 लाख रुपए ले लेता हूं मैं, सेल्स है 5 लाख रुपीज की, ठीक है। और इसमें से आपने कैश कॉस्ट, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कैश कॉस्ट है 2 लाख रुपीज की, वो मैंने इसमें से लेस कर दी, तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आ गई 3 लाख रुपीज, ठीक है। अब मान लीजिए इस फर्म के पास 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, समझने के लिए डेप्रिसिएशन जो इसको चार्ज करना है वो 1 लाख रुपए है, और टैक्स रेट समझने के लिए मैं ले लेता हूँ 30%, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अब लेस जो प्रोसेस आपको बताई थी, पहले डेप्रिसिएशन लेस करते हैं हम, डेप्रिसिएशन इसमें से हमने 1 लाख रुपया लेस किया, ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई जो कि 2 लाख रुपीज आ रही है, 2 लाख रुपए, इसमें से हमने टैक्स को लेस किया 30%, 60,000 रुपीज हमने टैक्स लेस कर दिया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 1,40,000, और प्लस इसमें फिर से डेप्रिसिएशन हम जोड़ दें, जैसा कि हमने पिछले फॉर्मेट में बताया था, पिछले वीडियो को आप जरूर देख लें, तो ये CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो जाएगा 2,40,000। अब देखिए, अगर मैं ये सब नहीं करता तो क्या नुकसान था, क्या मैं सीधा पहुंच सकता था, सेल्स में लेता 5 लाख रुपए, ठीक है, कैश कॉस्ट तो घटानी ही है, चलो 2 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब किसी के दिमाग में आ रही हो कि भाई डेप्रिसिएशन यार ये क्यों झंझट कर रहे हो, एक बार घटा रहे हो फिर टैक्स घटा के फिर से जोड़ रहे हो, तो इससे अच्छा घटाओ ही मत, चलो एक बार करके देखते हैं, अगर ऐसा करते तो क्या गलती होती। यहाँ मैं सीधा इसमें से लेस कर रहा हूँ टैक्स, और टैक्स कितना लेस होगा 30%, 90,000 रुपीज का टैक्स लेस हो जाएगा, तो जो आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2,10,000। अब आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यहाँ आपके पास कैश फ्लो आ रहे थे 2,40,000 रुपये, और यहाँ ये रह गए केवल 2,10,000 रुपये, तो बाकी 30,000 रुपये
कहाँ चले गए, बाकी 30,000 रुपये कहाँ है। तो सोचने वाली बात है, अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितने रुपए का था, 1 लाख रुपए का, और टैक्स रेट कितने की थी, 30%। इस 1 लाख पर 30% में लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 30,000। यही है टैक्स सेविंग, यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए घटने के कारण यहाँ जो टैक्स लगा था वो 1 लाख रुपए कम की राशि पर लगा था, 2 लाख रुपए पर हमने टैक्स लगाया था, ठीक है। और यहाँ टैक्स लगा फिर जाकर किस पर, 3 लाख रुपए पर, ठीक है। तो 1 लाख रुपए पर एक्स्ट्रा टैक्स दिया गया 30% की रेट से, 30,000 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा दिया गया, ये गलती हो जाती। अब जब इनकम टैक्स एक्ट हमें अलाउड कर रहा है सेक्शन 32 के तहत कि डेप्रिसिएशन एक अलाउड एक्सपेंस से उसको घटाया जाना चाहिए, तो क्यों ना उसका फायदा ले, तो इसलिए पहले डेप्रिसिएशन घटाना है ताकि टैक्स कम अमाउंट पर लगे, और फिर उसको वापस जोड़ना है क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन घटाना नहीं था, क्योंकि हमें तो सिर्फ कैश फ्लो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम ये सारा काम करते हैं। तो इससे एक निचोड़ और निकल कर आता है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पर टोटल टैक्स सेविंग। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर टैक्स ना हो, अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं हो या है, वो कंपनी ऐसी जिस पर टैक्स लगता ही नहीं हो, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है बेशक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप डेप्रिसिएशन घटाओगे, फिर वापिस जोड़ोगे, टैक्स तो बीच में है ही नहीं, फिर किसी तरह की कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलती जब टैक्स है ही नहीं तो। लेकिन अगर टैक्स मौजूद है तो डेप्रिसिएशन पर हमें टैक्स सेविंग मिलती है, और टैक्स सेविंग का अमाउंट कितना होता है, टैक्स सेविंग मैं यहां लिख रहा हूं, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ये होती है जी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो इसको टैक्स रेट से, ठीक है। सिंपली जितना आपका डेप्रिसिएशन है, जैसे 1 लाख रुपए है, तो इस 1 लाख रुपए को आप 30% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगा वो टैक्स सेविंग होगी, वो टैक्स सेविंग जो आपको डेप्रिसिएशन के कारण मिलने वाली है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगले पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का कंसेप्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि कैश आउटफ्लोज किस तरह से निकाले जाएं और कैश इनफ्लो जो है उनकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करें, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो मैंने कहा कि ये बिजनेस है, अब इसमें जो भी कुछ आया, अंदर आया वो इन, जो बाहर गया वो आउट, ठीक है। तो जो भी कैश आ रहा है वो इनफ्लो, जो कैश जा रहा है वो आउटफ्लो। लेकिन जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो कैलकुलेशन के नज़रिए से हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा रहे। इसलिए कौन सी चीज़ कैश आउटफ्लोज में इंक्लूड होगी और कौन सी चीज़ कैश इनफ्लो में इंक्लूड होगी, उसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं, पहले कैश आउटफ्लोज में क्या आता है उसको समझिए, ठीक है। तो मैं कैश आउटफ्लो में लेता हूँ, कैश आउटफ्लोज क्या है, अब इसको समझने से पहले आप यूँ समझ लो कि आपने क्या किया है, आपने कोई एक बड़ी मशीन ली है, बड़ी मशीन खरीदी है, ठीक है। और वो मशीन मान लीजिए 50 लाख रुपए की मशीन आई, ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए, आउटफ्लो। ऑब्वियसली 50 लाख रुपए आपके पॉकेट से गए तो आउटफ्लो। अब यूं सोचिए कि आपके पास पहले से भी एक मशीन है और कंपनी ने एक रिप्लेसमेंट ऑफर दे रखा है, एक स्कीम दे रखी है कि भाई तुम अपनी पुरानी वाली मशीन को दे दो और नई ले जाओ, तो 50 लाख रुपए की नई मशीन है और पुरानी मशीन के 10 लाख रुपए हम काट देंगे। तो अब आपकी पॉकेट से नेट कितना जा रहा है, 40 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि 50 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी और 10 लाख रुपए की वो पुरानी वाली मशीन बिक गई, ठीक है। तो हमें तो नेट लेना है ना। इसी तरह से उस मशीन को यहाँ तक लाने में आपको जो है भाड़ा खर्च करना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हुए, ठीक है। वो खर्चा कहाँ से जुड़ेगा, मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा। उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग पर खर्च करना पड़ा, वो कहाँ जुड़ेगा, वो भी इस मशीन के इंस्टॉलेशन पर ही जुड़ेगा। इस मशीन के इंस्टॉलेशन के खर्चे भी इसी में ही आएंगे।
आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और इसी तरह से अगर पुरानी वाली मशीन आपने बेची थी मान लो 10 लाख रुपए की, और उसकी बुक वैल्यू थी मान लो 15 लाख की, तो उसको बेचने पर जो लॉस हुआ उस पर अगर कोई टैक्स सेविंग होती है, ठीक है, तो वो भी इसी में आ जाएगी। तो इसलिए कैश आउटफ्लो में हम बेसिकली क्या कुछ लेते हैं, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो में हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कोई आपने नई मशीन नया प्लांट जितने का खरीदा वो उसमें हमने लिखा। इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड इंस्टॉलेशन चार्ज। अगर इसको लाकर इंस्टॉल करने पर कुछ खर्चा आपको करना पड़ा तो वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐड ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, मतलब ये मशीन आकर जब तक चालू ना हो जाए, काम ना करने लग जाए, तब तक के सब खर्चे कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो वो सब इसी में ही जुड़ने वाले हैं। आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग पर खर्चा करना पड़ा, ठीक है ना, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। भाई जो एम्प्लॉयज थे उनको तो वो वाली मशीन चलानी ही नहीं आती थी पहले से, तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी, ये मशीन चलानी सिखानी पड़ी, तो उस पर जो खर्चा हुआ वो भी इसी में ही आएगा। फिर पुरानी वाली मशीन मान लीजिए आपके पास अवेलेबल थी और वो आपने बेच दी, उसके बदले में दे दी, रिप्लेसमेंट में दे दी, तो वो जितने रुपए की बिक गई उससे आपका खर्चा कम हो जाएगा। मान लो ये अमाउंट में भी अमाउंट लिख देता हूँ आपको ज़्यादा से नीचे समझ में आ जाएगा, तो मान लीजिए ये मशीन है 50 लाख रुपीज की, तो 50 लाख रुपीज लिख दिया मैंने। इंस्टॉलेशन पर मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च होने, मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया। ट्रांसपोर्टेशन पर भी 50,000 रुपये खर्च होने, तो वो आपने यहाँ दिखा दिए। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह पर भी मान लीजिए कोई इच्छा आपको खर्चा करना पड़ा तो 50,000 रुपीज आपको ट्रेनिंग पर खर्च करने पड़े, वो भी मैंने इसमें दिखा दिए। अब मान लीजिए पुराने वाली मशीन जो है लेस, ठीक है, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, कि पुरानी वाली मशीन थी वो 10 लाख रुपए में बिक रही थी, यानी कि इसके बदले में जा रही थी, तो जहां मेरी जेब से मेरी पॉकेट से देखो 50, 51 और ये 52, 52 लाख रुपीज जा रहे थे, उसमें से 10 लाख रुपए तो वापिस आ गए, यानी कि 42 लाख रुपीज नेट गए, तो उसको हम यहाँ से दिखा घटा देंगे। इसी तरह से जब नई मशीन आएगी, बड़ी कैपेसिटी की मशीन आएगी, तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट मुझे रॉ मेटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, तो अगर कोई एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मान लीजिए इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। और क्या आ सकता है, एक चीज और आ सकती है, मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाली मशीन जो 10 लाख रुपए की आपने अभी अभी बेची है, इस मशीन की बुक वैल्यू, ये मशीन आज पुस्तकों में आपकी बुक्स में दिखाई हुई है 15 लाख रुपीज की। अब 15 लाख रुपीज की मशीन अगर आप 10 लाख रुपए में बेच रहे हो तो 5 लाख रुपए क्या हो रहा है आपको, लॉस। ठीक है, और लॉस पर क्या मिलता है, देखिए जब प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए प्रॉफिट होता तो आपको टैक्स देना पड़ता, थोड़ी देर के लिए समझ लो कैपिटल गेन की सब टैक्स रेट एक ही है समझने के हिसाब से, तो 5 लाख रुपए अगर आपको प्रॉफिट होता तो आपको क्या देना पड़ता, 30% की रेट से टैक्स, 1,50,000 रुपये। लेकिन अब उल्टा है, अब तो 5 लाख रुपए अगर लॉस हो रहा है तो ये लॉस हो रहा है तो ये आपके इनकम में से एडजस्ट होगा, इनकम में से घटेगा, तो आपको 1,50,000 रुपये का टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टैक्स कम देना पड़ा, ये भी आपको एक तरह से क्या मिल जाएगा, जो आपकी जो पॉकेट से नेट खर्चा हो रहा था उसमें से कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी इसी में से लेस करना होता है, तो लेस टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। अब वो मैं कैसे समझा रहा हूं,
मान लीजिए मैंने लिखा कि भाई 15 लाख रुपए है ये मशीन, 15 लाख की है, बेची कितने में भैया आपने, 10 लाख रुपए की, तो ये 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 30% टैक्स रेट से, यानी कि बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, टैक्स रेट। तो ये भाई 1,50,000 रुपए से मेरी टैक्स सेविंग हो गई। तो नेट कितना कैश आउटफ्लो आपकी तरफ से हुआ, देखिए 50, 51, 52 में से 10 गया, कितना हो गया भैया, 52 में से 10 गया 42, फिर 2 जोड़ा इसमें 44, और 44 में से 150 फिर से लेस हो गया, तो 42,50,000 रुपीज आपका कैश आउटफ्लो है। चाहे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड निकालना आगे पढ़ेंगे, चाहे आप और किसी भी मेथड में पढ़ेंगे, कैश आउटफ्लो में मैक्सिमम इतने पॉइंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही, लगभग इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए आगे सब मेथड्स बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो ये आई थिंक कैश आउटफ्लो का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कैश इनफ्लो की बात करते हैं। देखिए इनफ्लो को समझाने के लिए मैंने एक ये बिल्कुल इमेजिनरी सा क्वेश्चन लिख दिया है। अब कैश इनफ्लोज क्या होते हैं, आप मोटे तौर पर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में डिफरेंस कैसे करोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का आप डिफरेंस ऐसे करोगे कि जो बिजनेस में इन हुआ वो इनफ्लो, आउट हुआ वो आउटफ्लो, तो कन्फ्यूजन रहेगा और यही कन्फ्यूजन होता है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में आपको अंतर कैसे करना है, देखिए हम तीन तरह के कैश फ्लोज पढ़ाएंगे आपको, जो पढ़ेंगे यहाँ पर हम, पहला कैश आउटफ्लो हमने भी देख लिया, अभी हम कैश इनफ्लो पढ़ेंगे, और कैश इनफ्लो में एक चीज़ हो रहेगी टर्मिनल कैश इनफ्लोज, ठीक है। तो टर्मिनल कैश इनफ्लोज को तो अभी हम इसके बाद लेंगे ही, कैश आउटफ्लो आपने समझ लिया, अब कैश इनफ्लो की बात करो, मैं कह रहा हूँ कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में अंतर आप कैसे करो, कि जो कुछ कैपिटल नेचर का हो रहा है, एक बार उस मशीन को खरीदने पर, मशीन को खरीदने से संबंधित खर्चों पर, पुरानी वाली मशीन को उसमें रिप्लेसमेंट में देने पर, उस पर होने वाली टैक्स सेविंग लॉस पर, जो कुछ है वो इनकम था चाहे वो खर्चा था, वो कैश आउटफ्लो में चला जाएगा। कैश आउटफ्लो मतलब खर्चे का कॉलम, तो जो जो खर्चे हो रहे हैं उन सब खर्चों को प्लस कर दो, और उसमें कुछ आमदनी हो रही है, कुछ खर्चों में कटौती हो रही है, तो उसको वहाँ पर लेस कर दो। और कैश इनफ्लोज में क्या करो, अब सोचो कि मशीन जो ली थी, मशीन चलने लग गई है, ऑपरेशन में आ गई है, तो उस मशीन से जितना प्रोडक्शन होगा, जितने का बिकेगा वो इनफ्लो है, लेकिन उसको बनाने में भी कुछ लागत आ रही होगी, ठीक है, लेकिन उसको हम आउटफ्लो में नहीं ले जाएंगे, उसको उसी में से एडजस्ट कर देंगे, ताकि हमें नेट पता चले कि ये मशीन मुझे नेट इनफ्लो कितना दे रही है। तो उसी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, कि एक मशीन जो आपने खरीदी थी मान लो 10 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए इसकी सालवेज वैल्यू, मतलब 5 वर्ष इसका जो लाइफ है, उसके 5 वर्ष में जब ये बिक जाएगी तो 1 लाख रुपए की बिकेगी, ठीक है, 10 रुपए इससे जो प्रोडक्शन होगा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा, उसे बनाने में 6 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 2 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जब हम लिख रहे हैं तो हमारा मतलब है यहाँ कैश फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोडक्शन 1,50,000 यूनिट का और टैक्स रेट मैंने 30% लिया है। तो अब इस एग्जाम इस तरह का जो क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उस तरह इसमें अब आप जो है कैश इनफ्लोज कैसे निकालेंगे जरा उसकी बात करें। तो कैश इनफ्लोज के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, सेल्स कितनी हो जाएगी भैया, आप देखो 1,50,000 यूनिट है और सेलिंग प्राइस कितने का, 10 रुपए का, यानी कि 15 लाख रुपीज की तो सेल्स हो गई। सेल्स में से सबसे पहले आपको लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट है, तो 1,50,000 6 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपीज जो है ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और फिक्स कॉस्ट भी यहीं पर लेस कर दो, कैश फिक्स्ड कॉस्ट हमें 2 लाख रुपए दे रखी है, तो 9 और 2 11, ये 11 लाख रुपए आपकी कैश कॉस्ट है जो हम घटाया करते थे आप पिछले वीडियो में देखना इसमें, तो ये बचेगी अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो ये 11 लाख हम इसमें से लेस कर देंगे तो 4 लाख बचा। अब इसमें से पहला नंबर किस चीज़ का है, अभी आज भी हमने दोबारा इसको पढ़ा, डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा,
डेप्रिसिएशन, जब स्ट्रेट लाइन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस सालवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है इस मशीन की 10 लाख रुपया, सालवेज वैल्यू इसकी कितनी है 1 लाख रुपया, और लाइफ कितना है इसका 5 वर्ष का, तो 9 लाख को 5 से डिवाइड किया 1,80,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, इस डेप्रिसिएशन को हमने घटा दिया जो हमने अभी समझा था, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना 2,20,000। अब इस अर्निंग बिफोर टैक्स 2,20,000 में से नंबर आया किसको घटाने का, टैक्स को घटाने का, लेस टैक्स। तो टैक्स कितना है एट द रेट ऑफ 30%, तो 66,000 रुपीज का हमने टैक्स लेस कर दिया। ये 66,000 रुपीज का टैक्स लेस करने के बाद कितना बचता है, 1,54,000 बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वापस क्या करना है, एड डेप्रिसिएशन अगर कैश फ्लो निकालने हैं तो। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना हमने लेस किया था, 1,80,000, इसको आप जोड़ दीजिए 3,34,000 आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा, CFAT होगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, और अगर 5 वर्षों तक, अब यहाँ 5 वर्षों तक इतना ही मिलता रहेगा, तो उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारी कट ऑफ रेट होगी, ठीक है, क्वेश्चन में जो हमें बता रखी होगी जिस रेट पर हमें डिस्काउंट करना है, ठीक है, उस रेट का 5 वर्ष का एनुटी फैक्टर ले लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और यह अगर हर वर्ष अलग अलग होता, यही डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन ना होकर मान लो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लग रहा होता, तो हर वर्ष डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग हो जाता, तो फिर ये कैश फ्लो भी हर वर्ष अलग अलग आते, तो उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते, पीवी फैक्टर यूज कर लेते। उस पर हम आएंगे आगे, जब उसके जो क्वेश्चंस करेंगे तब वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक कैश इनफ्लोज का कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कैश फ्लो से ही रिलेटेड, वो है टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल का अगर हम मीनिंग करें तो टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम, लास्ट में जो बचेगा, मतलब यूं समझ लीजिए। देखिए अभी मशीन की लाइफ कैसे शुरू हुई, एक पहले से मशीन थी, हमने फिर उसको बदलकर, पुरानी मशीन को बदलकर नई मशीन खरीदी। ठीक है, नई मशीन का लाइफ कितना है, 5 वर्ष, अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। अब मान लो 5 वर्ष आ गए हैं, उस नई वाली मशीन जो हमने खरीदी थी, ये इस मशीन का लाइफ भी पूरा हो गया, तो उस बार आप सोच कर देखो, वो 5 वर्ष जब बीतेंगे तो उस वर्ष आपको क्या क्या मिलने वाला है, वही टर्मिनल कैश इनफ्लोज है, यानी कि अंत में मिलने वाले कैश इनफ्लोज। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, आइए बात करते हैं। उसमें क्या क्या मिलेगा, एक तो सालवेज वैल्यू, सालवेज वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है, अभी जो हमने मशीन खरीदी थी अभी पिछले एग्जांपल में 10 लाख रुपए की थी, लेकिन जब 5 वर्ष उसको लाइफ पूरा हो जाएगा, तो 5 वर्ष के अंत में कितना रुपया बचेगी, कितनी वैल्यू बचेगी उसकी, 1 लाख रुपया। तो वो क्या है, मेरी सालवेज वैल्यू, उसका नाम क्या है, टर्मिनल कैश इनफ्लोज, वो टर्मिनल कैश इनफ्लोज में जोड़ी जाती है। ठीक है, 1 लाख रुपये। इसी तरह से और क्या आएगा इसमें, ध्यान रखिएगा, अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है तो कैश आउटफ्लो में भी आता है और टर्मिनल कैश इनफ्लो में भी आता है। क्यों आता है, कि जब मशीन खरीदी थी तो उस मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी। जैसे कि हमने पिछला एक वो अभी एग्जांपल लिया था आउटफ्लो का, उसमें शायद 2 लाख रुपए हमने ली होगी, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। तो वो कब तक है, जब तक वो मशीन ऑपरेशन में, जब वो मशीन ही खत्म हो जाएगी, मशीन ही चलेगी, तो वर्किंग कैपिटल का क्या करोगे, तो वो वर्किंग कैपिटल भी आपके पास वापिस आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसलिए एक बार तो वर्किंग कैपिटल को आउटफ्लो में जोड़ना होता है, दूसरी बार वर्किंग कैपिटल का अमाउंट किस में आता है, इसमें टर्मिनल कैश इनफ्लोज में, जिसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। मान लो मैंने 2 लाख लिखी थी, मैं वो ही लिख देता हूं 2 लाख,
और क्या आ सकता है, एक चीज और आ सकती है कि जैसे जब वो अभी ध्यान है आउटफ्लो में पुरानी वाली मशीन की मैंने बुक वैल्यू दिखाई थी, आउटफ्लो जब निकाल रहा था तो 15 लाख रुपए मैंने लिया था और उसको बेचा कितने में था, 10 लाख का, तो 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा था और जब लॉस हो रहा था तो उस पर टैक्स सेविंग हो रही थी। ऐसे ही भाई जब ये नई वाली मशीन खरीदी है, ये भी जब इसका लाइफ पूरा हो जाएगा, ध्यान रखिए मैं यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के ब्लॉक सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसके हिसाब से तो फिर वो रूल अलग ही हो जाते हैं, ठीक है, वो अभी आपके लिए थोड़ा टिपिकल भी हो जाएगा शुरुआती लेवल पर समझने के लिए। तो अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड से ही समझ रहे हैं बिना ब्लॉक सिस्टम के ही, क्योंकि वहाँ तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने के रूल ही बिल्कुल अलग है, ब्लॉक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मैं बिना ब्लॉक सिस्टम के बात कर रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल सिंपल समझते हुए, तो ये जो नई वाली मशीन है भाई, ये वाली भी जब आप बेचोगे तो उस पर भी तो लॉस हो सकता है आपको, है ना। तो अगर इस पर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस पर भी टैक्स सेविंग मिलेगी। और ये कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ, नई वाली मशीन की, ठीक है। तो इसमें ऐड करिए टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। मान लो अभी मैं पिछला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 10 लाख रुपए वाली मशीन थी मान लो, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू मान लो जितने भी आ रही थी, अब वो मान लीजिए आपने बेची सिर्फ 50,000 रुपये में, तो बाकी जो लॉस हो गया तो जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना और वो वाला अमाउंट भी यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, ये कहलाएंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। समझने के लिए मैं उसको 20,000 रुपये लिख लूँ, चलिए तो ये कितने हो गए, 3,20,000। दीज आर कॉल्ड टर्मिनल कैश इनफ्लो, जो मशीन जब खत्म हो जाएगी तब इतना 3,20,000 रुपये में तब ये देकर जाएगी। तो हमें इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट आपने पढ़ ही लिया है। ये पैसा 3,20,000 रुपये कब मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आज कितनी है, तो अगर पीवी फैक्टर आपने ध्यान हो जैसे 10% पर मैंने निकाले हुए थे, 0.909.826.751.683.621, तो 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवें वर्ष पर अगर 10% वाले रेट चालू रहे तो पीवी फैक्टर कितना होगा, 0.621। तो इसको 0.621 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो अभी अभी जो हमने कैश इनफ्लोज निकाले थे उन कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी वो क्वेश्चन से समझेंगे, लेकिन कंसेप्ट अभी समझ में आ जाना चाहिए कि कैश आउटफ्लो क्या है, कैश इनफ्लो क्या है और टर्मिनल कैश इनफ्लोज क्या होते हैं। तो अब इस वीडियो से रिलेटेड कैपिटल बस्टिंग के कंसेप्ट्स में लास्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कट ऑफ रेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम सारे जो कैपिटल वेस्टिंग के मेथड्स हैं उनको वन बाय वन शुरू करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स में ये लास्ट कंसेप्ट है, समझ लीजिए कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट क्या है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहले दो मेथड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं, क्योंकि वहाँ हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करते, वहाँ हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी ही नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ निकालनी पड़ेगी वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सी रेट पर निकालूँ। जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले जाते हैं उन्हीं को ये हम कट ऑफ रेट बोलते हैं। तो इसको कट ऑफ रेट क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में तो ये होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। अब इसको समझो, इसको कट ऑफ रेट क्यों बोलते हैं, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए टैक्स वगैरह के बाकी सब फैक्टर्स को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो मैं कहीं से बैंक से 1,00,000 रुपया उधार लेता हूँ, ठीक है जी, और इस लोन पर मुझे 10% की रेट पर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, 1,00,000 पर 10%, 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये सोचो कि ये बोरो किया हुआ अमाउंट, ये उधार लिया हुआ अमाउंट मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ, आपके किसी प्रोजेक्ट में मैंने रुपया लगा दिया और वहाँ से मुझे इसमें 8,000 रुपये प्राप्त होते हैं या 8% का रिटर्न प्राप्त होता है, ठीक है, देना कितना है ब्याज, 10,000, और मुझे मिल कितना रहा है रिटर्न, 8% का 8,000। तो क्या ये एक रैशनल इन्वेस्टमेंट है मेरा,
हो ही नहीं सकता। अरे 10% पर उधार लेकर मैं 8% पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे तो प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा है। ये 2,000 रुपये मेरी जेब से जा रहे हैं बजाय कुछ आने के। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको कट ऑफ रेट का मतलब समझ में आ गया होगा। कट ऑफ रेट का मतलब कि भाई ये तो मेरे इस इन्वेस्टमेंट की लागत ही है, इतना तो रिटर्न मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए, इससे कम रिटर्न पर तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं आऊंगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे रिटर्न मिल रहा है 9% का, 9.5% का, तो मैं तैयार ही नहीं होऊंगा इन्वेस्ट करने के लिए। 10% मिलेगा तो मैं चाहे इन्वेस्ट करूं या ना करूं बराबर बात, जैसे रुपये अपने पास रखा हुआ है वैसा ही इन्वेस्ट किया हुआ है, 10% ही वहां मिलेगा, 10% ही यहाँ मिलेगा। तो इसीलिए इसका नाम है कट ऑफ रेट, यानी कि इस रेट से कम रिटर्न मिलने पर कैपिटल बस्टिंग का, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन छोड़ दिया जाता है, लिया ही नहीं जाता। इससे ज्यादा जितना होता जाए उतना बढ़िया है। अब मान लीजिए आपने किसी में इन्वेस्ट किया, 12% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 2% आपको कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, रिटर्न प्राप्त हो रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ रेट का मतलब होता है कि वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए मिलनी चाहिए, कम से कम 10% तो मिलना ही चाहिए। 10% से कम हुआ तो फिर मुझे लॉस है बजाय प्रॉफिट के, तो मैं इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ही नहीं लूंगा। तो ये रेट आपको वैसे क्वेश्चन में दे रखी होती है, और वैसे मैं बता दूं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वही उस प्रोजेक्ट की कट ऑफ रेट होती है। क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने कहाँ से इकट्ठा किया, कुछ हिस्सा इक्विटी से, कुछ हिस्सा डेट से, कुछ हिस्सा प्रेफरेंस से, तो कुल मिलाकर उस 10 लाख रुपए के फंड की लागत कितनी पड़ रही है। ठीक है, कम से कम वो लागत मुझे अपने इस इन्वेस्टमेंट पर जरूर अर्न करनी है, इसीलिए इसका नाम है कट ऑफ रेट। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको कैपिटल बस्टिंग में कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली, आपको सभी मेथड्स बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से इसके मेथड्स को शुरू करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।